शक्तिमान अभी तक तुमने मेरा असली चेहरा नहीं देखा है आज मैं तुम्हें अपना असली चेहरा आया। अंधेरा कायम रहे हमेशा कि शक्तिमान का भी रिमेक बन रहा है रणवीर सिंह को लेकर ये सुरेंद्र पाल को हमें उसमें देखने का मौका मिले मैंने मुकेश जी से बोला कि वही मुझे कोई रोल वोल दे दीजिए आप अपने शो के अंदर नहीं ये जो इसमें विलन का रोल है ये सिर्फ अमरीश पुरी जी ही कर सकते हैं और कोई हिंदुस्तान में नहीं कर सकता इस करेक्टर और उन्होंने जो पांच मिनट तक मुझे डांट लगाई है आजकल के लौंडे चले आते हैं साले इनको यही नहीं मालूम कि द्रोणाचार क्या था बताइए शक्तिमान की वजह से अंधेरा तो कायम नहीं रह पाया बट जो आपका कैरेक्टर था तमराज कलवेश हमेशा हमेशा के लिए ऑडियंस के दिलों में तो कायम रहा है आयुषमान अनुभव So, आज हमारे साथ हैं सुरेंद्र पाल सिंह ए के ए तमराज किलविश अंधेरा कायम रहे हमेशा मेरे जीवन का एक बहुत ही मेमोरेबल रोल शक्तिमान का किलविश मुझे नहीं लगता था कि कोई आदमी मुझे एक द्रोणाचार्य जैसे सौम्य आदमी को कोई एक, एक एग्रेसिव कैरेक्टर देगा कभी नहीं मैंने नहीं सोचा था क्योंकि हमारी इंडस्ट्री का एक रिवाज है सब कि एक कैरेक्टर जो आपको आपके ऊपर छा जाता है जिस कैरेक्टर को आपको जनता पसंद करने लगती है जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए शोले का गब्बर सिंह था अमजद खान साहब थे तो उसके बाद फिर उनको विलन के ही रोल मिलते हैं, डाकू टाइप के बदमाश टाइप के गुंडे टाइप के ही रोल मिलते रहे, रहे। उन्होंने कभी अच्छे रोल नहीं किए कहने का मतलब हमारी इंडस्ट्री में एक छाप लग जाती है एक्टर के ऊपर कि भाई फिट फॉर दिस रोल एंड यू विल डू ओनली रोल हमारे यहाँ छाप लग जाती है इंडस्ट्री में मुझे भी यही लगने लगा था कि अब मैंने द्रोणाचार कर लिया है तो जवानी के दिनों में ही मुझे अब एक ऐसी लग कि मुझे अब कोई अच्छा रोल देगा नहीं बोलेंगे हाँ जी दादाजी का रोल है बुढे हाँ। का एक रोल है एक बुढ़े का जो हंगल साहब करते थे वो रोल मुझे मिलने शुरू हो जाएंगे मुझे ऐसा लगने लगा था लेकिन मेरे अंदर भी एक जज्बा था मेरे अंदर भी एक फायर था जैसे कह सकते हैं आप मैंने कहा कि ठीक है मैं मानता हूं कि इंडस्ट्री में एक छाप लग जाती है कलाकार के ऊपर लेकिन मैं एक वो कलाकार हूं जो अपनी इमेज को तोड़ के चलूंगा उसी बीच मुझे पता लगा कि मुकेश खन्ना जो मेरे बड़े अच्छे मित्र थे वो बहुत अच्छा एक शो बना रहे हैं बट उससे पहले मुझे मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि उससे पहले मुझे एक चाणक्य नाम का सीरियल शुरू हुआ था महाभारत के बाद इमीडिएटली डॉक्टर चंद्र प्रकाश उसको डायरेक्ट कर रहे थे और उसमें अमात्य राक्षस का रोल दिया गया था जिसमें मैं, मैंने अपने बाल वगैरह पूरे बोल्ड कराए थे उसके लिए अच्छा उसमें आपने सच में मुड़वाए थे बाल मैंने सच में मुड़वाए थे अब मुकेश खन्ना जी की आज बारिया मैंने मुकेश जी से बोला कि भाई मुझे कोई रोल वोल दे दीजिए आप अपने शो के अंदर तो मुकेश जी बोले मुझसे अमरीश पुरी कर सकते हैं और कोई हिंदुस्तान में नहीं कर सकता इस तो इन्होंने अमरीश पुरी अप्रोच किया और अमरीश पुरी जी ने बहुत अधिक व्यवस्था की वजह से वो बहुत ज्यादा बिजी थे फिल्मों में और वन मैन शो था जैसा सभी लोग जानते हैं हमारे दर्शक भी जानते हैं कि अमरीश जी वॉज अ ओनली एक्टर जो विलेन के में उनसे अच्छा कोई विलेन हुआ ही नहीं हाँ उन्होंने मना कर दिया मना कर दिया तो मुकेश जी के पास कोई ऑप्शन नहीं था हाँ। उन दोनों आते थे हाँ। तो उन्होंने मुझे स्टार वॉर का अच्छा हाँ वो दे दिया जी। हाँ। उसमें वो हुड्डा लगा के आता है विलेन हाँ। और विलेन जो है सिर्फ काले कपड़े पहना हुआ है हाँ। और हुड्डा लगा के और डायलॉग अपना बोलता है तुम यहां से चले जाओ मैं तुम्हारी शकल नहीं देखना चाहता तो मैंने कहा आप पहले तो उसका हुड्डा हटाइए जी बोले तुमने क्या सोचा है मैंने कहा मैंने कुछ सोचा हुआ मैंने उस कैरेक्टर को फिर एक एक चीजें करके मैंने उसको डिफाइन किया मैंने उसके बाल ऐसे होंगे उसके ये होगा मैं उन दिनों खुदा गवाह करके आया था अमिताभ बच्चन जी।, जी के साथ जी। तो उनमें मैंने देखा था उन्होंने एक विग पहना था जिसमें घुंगाले से बाल थे

हर चीज मैंने उसमें एक नयापन करने की कोशिश की थी मैं इसका क्रेडिट अपने डायरेक्टर कुकू खन्ना जी को देना चाहूंगा सुभाष गई के चीफ अस्टेंट थे वो और उन्होंने मुझसे पूछा पहली बार ऐसे बैठे बैठे जैसे मैं सामने बैठा था सुरेंद्र तुम क्या करोगे इसमें बताओ क्या करोगे मैंने कहा सर मैं पहले इसको चेहरा को छुपाए रखूंगा यूं करके और फिर मैं चेहरे के साथ मैं डायलॉग बोलते बोलते बोलूँगा कि शक्तिमान आज तक तुमने मेरा असली चेहरा नहीं देखा आज मैं तुम्हें अपना असली तुम्हें तो अच्छा लगा आइडिया उन्होंने अपने कैमरामैन थे मनोज करके मनोज सोनी बहुत अच्छा आज का टॉप टॉप कैमरा मैन है आज कल उसको बोला यार मुझे कुछ ऐसा दे शेड वगैरह कर इसको कि थोड़ा सा भयानक लगे थोड़ा लोगों को डर लगे तो उसने बोला ठीक है उससे किया और हम लोगों ने पहला शूट किया और उन्होंने इसके ऊपर लाइटें खड़ 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 करते हुए कहता कहता शक्तिमान आज तक तुमने मेरा चेहरा नहीं और वो पब्लिक को इंस्टेंट लाइकिंग आई उसके बाद और उसके बाद वो एकदम से शो ने जो बेस पकड़ा, बेस पकड़ा। हाँ। वो कमाल था हिंदुस्तान का मेरे ख्याल से कोई बच्चा चाहे वो डॉक्टर हो इंजीनियर हो आ, किसी भी पोस्ट पे हो ऐसा नहीं बच्चा नहीं होगा जिसने शक्तिमान नहीं देखा शक्तिमान की वजह से अंधेरा तो कायम नहीं रह पाया बट जो आपका कैरेक्टर था तमराज किलविश वो हमेशा हमेशा के लिए ऑडियंस के दिलों में तो कायम रहा है तो जब आप तमराज किलविश का कैरेक्टर कर रहे थे और उसमें आप इतना मेकअप कर रहे थे तो क्या लोग स्टार्टिंग में आपको पहचान रहे थे कि ये आप कर रहे हो किलविश तो बिल्कुल तो नहीं पहचान में आता नहीं पहचान में आ, क्योंकि कपड़े भी पूरा हाँ, कॉस्ट्यूम कॉस्ट्यूम भी पूरा कॉस्ट्यूम ऐसा ऐसा है कि कोई है, का नहीं स्टार्टिंग में तो कुछ ऐसा था मैं, कुछ था टाइम मैं दो कैरेक्टर के बारे में बोलना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि पहला कैरेक्टर था मेरा महाभारत में द्रोणाचार्य का इसके अलावा किलविश एन अदर कैरेक्टर जिसमें मैंने अपनी पूरी मोबिलिटी को अपने पूरे फेस को छुपा दिया था मेकअप से तो मैं दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि ये दोनों के दोनों कैरेक्टर ऐसे थे मेरे सामने कि मुझे कोई पहचान ना पाया। मैं जब कोई भी रोल करता हूं तो उसमें पूरी तरह से समा जाता हूं फिर मुझे ये नहीं लगता है कि दर्शक मुझे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे कोशिश ये करता हूं कि दर्शक मुझे मेरे ओरिजिनल नाम से ना जाने मुझे सुरेंद्र पाल के नाम से ना पुकार के मुझे उस कैरेक्टर से पुकारे जो वो लोग देख रहे हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल किलविश आपने मुकेश खन्ना जी के साथ दोनों में काम किया है एक्चुअली उसमें भी महाभारत में भी वो भीष्म भिष्म बने थे आप दोनों चार और इधर शक्तिमान और किलविश तो उनके साथ ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री कैसी थी आपकी मतलब स्क्रीन पर तो हमने देख लिया तम किलविश और शक्तिमान एक दूसरे के दुश्मन ऑफ स्क्रीन क्या थी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मैं मुकेश जी का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ क्योंकि उस आदमी ने भीष्म पितामा का रोल महाभारत में जी। जिस इंटेंसिटी के साथ किया और जिस खूबसूरती से किया और जो डायलॉग डिलीवरी उन्होंने रखी पार एक्सलेंट अगर आप मुझे ये पूछेंगे कि महाभारत में ऐसा कौन सा कैरेक्टर था जो आपको सबसे ज्यादा पसंद था द्रोणाचार्य को बहुत एज एन एक्टर आल्सो एज ए एज ए ले मैन तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि मुझे मुकेश खन्ना जी सबसे अच्छे लगे थे और उन्होंने महाभारत में जान डाल दी थी एज ए भीष्म पितामा ही हैज डन सो वेल फिर अब आ जाइए वहां से भीष्म वाज अ डिफरेंट रोल ऑल टुगेदर अ वेरी डिफरेंट डिफरेंट रोल और इसमें शक्तिमान में ज़ुब 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 करके उड़ जाते थे ज़ुब 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 करके उड़ जाते थे और एक दिन मैंने मुकेश जी से पूछा भी मैंने कहा आप जुब जुब, जुब जुब करके उड़ जाते हैं जुब जुब करके हर जगह पहुंच जाते हैं hmm. तो क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड को भी मिलने क्या जुब 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 जुब, जुब, जुब करके उसके घर में घुस जाते हैं क्या दस माले पे है तो बहुत हंसते थे hmm. काफी मुश्किल आते रहते थे hmm. पहले पहला फ्लाइंग हीरो अगर मुझे रहा हमारे जमाने में

आपने जो किया जी, जी, उतना किलविश का कैरेक्टर का मुझे है। और बताना चाहता हूं। जितने भी कॉमिक्स बने हैं है, हम लोग ये कहते हैं कि हम जो हैं हॉलीवुड की कॉपी मारते हैं लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि नहीं बॉलीवुड की भी कॉपी हॉलीवुड वाले मारते हैं किलविश देखने के बाद उन्होंने अंधेरा कायम रहे हमेशा ये जो एक्शन वगैरह थे तो आप देखिए ज्यादातर कॉमिक्स के अंदर आप आपको विलेन भी यू ही करता मिलेगा ये आपको जब पता चला कि आपको द्रोणाचार्य के लिए कास्ट कर रहे हैं तो आपने मुझे पता नहीं, नहीं था मुझे पता नहीं था मुझे नहीं नहीं पता नहीं था मैं हाँ। तो उन दिनों कलाकारों को काम मिलना बहुत मुश्किल काम था ये सब जिस वक्त की बात है उन दिनों टेलीविजन इतना पॉपुलर नहीं था एक रामायण सीरियल था जो राम लक्ष्मण सीता मैंने कहा राम राम लक्ष्मण के लिए तो कोई मुझे लेगा नहीं <laughs> तो महाभारत जो बन रही थी जी। तो गुफी पेंटल जी का मेरे पास फोन आया था उन दोनों मोबाइल वगैरह तो थे नहीं लैंडलाइन होती थी लैंडलाइन बजी मैंने उठाया बोले भाई मैं गुफी पेंटल बोल रहा हूँ हम एक शो के लिए कास्टिंग कर रहे हैं महाभारत की अगर आप आ सकते हैं तो जल्दी आ जाइये मैं एक घंटे में पहुंचा ऑफिस में और गोफी जी फर्स्ट फ्लोर पे थे वी आर चोपड़ा के ऑफिस में कास्टिंग डायरेक्टर थे वो और वहीं मेरी उनसे मुलाकात हुई उन्होंने बोला भाई एक एक रोल बच गया है बाकी तो सारी कास्टिंग हो चुकी है एक रोल बच गया मुझे लगा शायद अर्जुन का रोल बोलेंगे मेरे पे <laughs> बोले नहीं द्रोणाचार्य का रोल मैंने उसी वक्त गंदा सा मुंह बनाया अपना <laughs> मैंने कहा जी मैं हीरो बनने आया हूँ यहाँ पे तो बड़े साहब जो थे मुझे बड़े चोपड़ा साहब मुझे पांच मिनट तक ऐसी देखते रहे निहारते रहे निहारते रहे निहारते रहे ओके डन 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 व्हाट मैंने अंदर कहा बोला तो नहीं उनके सामने जी, तो, जी, तो उनके सामने डायरेक्टर के सामने बोलने की हिम्मत था? ही नहीं थी मैंने कहा व्हाट डन तो उन्होंने कहा कुकी को बुलाओ कुकी रवि चोपड़ा साहब अच्छा। तो बगल में ही उनका रूम था तो एक आदमी गया बुलाने के लिए बोले बड़े साहब ने बुलाया तो वो रवि जी तुरंत तो आ गए थे वहां बोले यस डैड बोले ये देखो द्रोणाचार्य जी खड़े हैं तो रवि जी ने मेरी तफियों देखा पूरा ठीक है डैड ओके डैड मैं इनको कल बुला लू स्क्रीन टेस्ट के लिए वाई कुकी वाई ये लुक्स लाइक द्रोणाचार्य हम्म इनको देखो टाइगर जैसी पर्सनालिटी है आंखें देखो टाइगर जैसी है यही है जो कौरवों और पांडवों को अपने हाथ में रख सकता है यही यही पर्सनालिटी चाहिए थी मुझे ये सामने कहा मैंने कहा जी कहानी तो बहुत आगे बढ़ गई है <laughs> अब मुझे स्टॉप लगाना चाहिए इसको। तो रवि ने बोला ओके ओके डैड बोल के बाहर निकल गया वो अब मैंने कहा सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ बोले हाँ बोलो क्या बात है क्या बात है मैंने कहा सर मैं बुढ़े का रोल नहीं करना चाहता हूँ बस इतना बोलना था मेरा राही साहब वहीं कोने में बैठे हुए थे अपने सदरी वदरी पहने हुए और मुंह में तंबाकू का पान खा रहे थे और बगल में पीकदान रखा हुआ था उनका और बाकी सब बड़े बड़े राइटर बैठे हुए थे धर्म अधिकारी भृंग तुपकरी भटनागढ़ साहब ऐसे करके बहुत सब सभी लोग बैठे थे उनको एकदम गुस्सा आ गया बोले क्या कहा द्रोणाचार्य बुढ़ा था मिया आर्मी का जनरल था वो जनरल और उन्होंने जो पांच मिनट तक मुझे डांट लगाई है मुझसे पूछे अरे पढ़े लिखे हो मैंने कहा जी ग्रेजुएट हूँ ग्रेजुएट है यही नहीं मालूम कि द्रोणाचार्य क्या था जनरल था आर्मी का जनरल अरे अर्जुन और दुर्योधन को तो थप्पड़ मार के बैठा देता था वो ऐसा आदमी था इतनी ताकत थी उसके पास कि वो पूरी की पूरी महाभारत को जीत जाता आगे। आगे। तो बड़े चोपड़ा साहब ने बोला अरे राही साहब सुखे सोखे राह साहबे अरे क्या आजकल के लौंडे चले आते हैं साले इनको यही नहीं मालूम कि द्रोणाचार्य क्या था बताइए कह रहे द्रोणाचार्य बुढा था अरे वहां से मेरी कहानी शुरू होती है मेरे सामने कुछ वो नहीं था ऑप्शन नहीं था कुछ कहने के बोलने के लिए और वहां से मेरा टेलीविजन का पहला डेब्यू जिसे कह सकते हैं शुरुआत हुई और आज मुझे बहुत बड़ी खुशी भी होती है इस बात की मुझे एक ऐसे किरदार को निभाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जो बिगर देन लाइफ लार्जर देन लाइफ वाला रोल था अगर मैं ये रोल छोड़ देता तो शायद आज मेरा कैरियर वहां यहाँ नहीं पहुंचता जहां आज, आज पहुंचा है। 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 तो लाइफ चेंजिंग रोल था मतलब आपके लिए उसके बाद आपका आ, sure हो होंगे। पैसे की तंगी नहीं आई होगी के ही नहीं देखा, नहीं देखा। मैंने एक टाइम पे ऐसा भी किया था कि जब मैंने बारह शो मेरे एक साथ चलते थे बारह शो बारह क्रिएट दिस्ट्री दैट टाइम कैसे करते चैनल पे बैक बैक टू चलते थे तीन एक घंटे दो दो तीन, <laughs> तीन के लिए जाता था किसी भी सेट पे हुँ. एक घंटे काम करके और वहां से निकल जाता था जब भी कोई स्ट्रॉन्ग और दमदार कैरेक्टर चैनल पे आता है तो वो सबसे पहली जो चॉइस बनती है वो मेरी ही बनती है राइट अब जैसे मैंने देवों का देव महादेव किया देवों का देव प्रजापति दक्ष के लिए ये शो शो, शो एक्चुअली मैंने छोड़ दिया था अच्छा। क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा था कि जो माइथोलॉजी के लिए जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं वो बहुत अच्छी स्टडी नहीं करते हैं हमारे रिलीजन के बारे में और हुँ। हुँ। हमारे सनातन धर्म के बारे में और हमारे देवी देवताओं के बारे में बहुत अच्छी स्टडी नहीं करते हैं ये लोग अंधेरी स्टेशन के बाहर दो रुपए की किताब जो मिलती है उसको पढ़ के और उस पर स्क्रिप्ट वगैरह लिख देते हैं मुझे ऐसा लगता था तो इस पे मेरी थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गई तो मैंने ये शो छोड़ दिया था देवों का फिर हमारे आ, जो निखिल सिन्हा जी थे डायरेक्टर जो प्रोड्यूसर थे नहीं। नहीं। उन्होंने कहा कि हम इसको बिल्कुल अलग ढंग से बना रहे हैं सुरेंद्र जी आप एक बार काम करिए हमारे साथ नहीं। नहीं। फिर आपको पता लगेगा कि हम क्या बना रहे हैं और ये मेरे पीछे करीब दो महीने तक पड़े रहे इन्होंने दूसरे एक्टर को लेके शूट भी किया उसके अच्छा, साथ अच्छा अच्छा हाँ, सेम रोल हाँ, किया अच्छा, उन्होंने एक मॉडल था किसी हाँ, को लेके किया उन्होंने अच्छा, अच्छा। और वो देखने के बाद उसमें काफी पैसा खर्चा होगा उनका करीब एक करोड़ के करीब खर्चा होगा उसके बाद उन्होंने स्क्रैप कर दिया उसको बोले नहीं करेंगे वो दश का जो एक और क्रिएट होना चाहिए वो नहीं आ रहा है इसमें

कि आपके पिताजी डीएसपी थे जी, और आपके आप पांच भाई छह बहन है जिनमें सारे भाई, भाई जो सारे वही आर्मी या पुलिस फोर्स में थे फिर उनमें से एक लड़का एक्टर कैसे बन गया मैं घर में सबसे छोटा था अच्छा हमारे सभी भाई जो थे बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टों पे लग चुके थे सबकी नौकरी लग चुकी थी मैं सबसे छोटा था एक था जिसको खेलने कूदने का बहुत शौक था पढ़ाई में कम ध्यान उन्होंने बोला ये ना तो डॉक्टर बन पाएगा ना आई एस आई पी एस बन पाएगा मेरे फादर ने मुझे एक दिन पूछ ही लिया क्या बनना चाहते हो क्या करोगे मैं तो कहता हूं किसी बैंक बैंक में नौकरी कर लो कहीं कुछ इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर बन जाओ तो मैं थोड़ी सोर्स सोर्स लगा के तुम्हें तो बनवा देता हूँ मैंने कहा नहीं बाबूजी मैं वो बनना चाहता हूँ कि जब मैं सड़क पे चलू तो लोग ये ना कहें कि दशरथ सिंह का बेटा जा रहा है सुरेंद्रपाल ये कहे देखो सुरेंद्रपाल का बाप दशरथ सिंह जा रहा है तो मेरे फादर को काफी गुस्सा आया मेरे मेरी इस बात से वो यू वॉज नॉट आंसर और जब मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई थी आगरा में थे मेरे पिताजी तो उनको लोगों ने आके बताया कि आपके बेटे की पिक्चर आई है उसमें हीरो है आपका बेटा आपका बेटा हीरो है ये हम क्षमा की बात कर करें तो रहे हैं। मेरे पिताजी को बड़ा गर्व महसूस हुआ कि सारी दुनिया वाले लोग मेरे को आके कह रहे हैं आपका बेटा आपका बेटा चलो मैं चल के देखता हूँ मेरे हुँ। फादर गए और आगरा के उस थिएटर में पहुंचे जी। और देखी पिक्चर उन्होंने और देखते देखते मेरे पिताजी की आंखों में आंसू आ गए उन दोनों पत्र लिखा जाते थे जी जी। उन दोनों पत्र होते थे जी। तो मेरे फादर ने मुझे लिख के लेटर लिखा रहा जिसे मैं पढ़ पढ़ के रोने लगा था क्योंकि उन्होंने इतने सुंदर वर्ड्स लिखे थे मेरे लिए मैं वो लाइनें पढ़ पढ़ के मैं रोता रहा मैं मैं पढ़ता रहा और रोता रहा मैं पढ़ता रहा और रोता रहा मैंने कहा कि माय फादर कैन बी चेंज्ड मैन जो इतने स्ट्रिक्ट और इतने अपने उसूलों के पक्के और अपने चीजों को मनवाने वाले इंसान भी इस तरह का अपना अ उनके पास इतना प्यारा और इतना नाजुक सा दिल है अपने बेटे के लिए ये साइड आपने पहली बार देखा उनका पहली बार देखा पहली बार इसीलिए मैं रोया इसीलिए मैंने रोया रहा वो वो और, बहुत प्राउड जो फील कर रहे होंगे वो आपको येस, लेटर येस, से पता लगा कि यस 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 ही वाज फीलिंग वेरी प्राउड तो आपकी जो मां थी वो आपके इस डिसीजन को सपोर्ट करती थी उस वक्त या उनका भी मतलब उनका भी हां मांगा माँ का तो सबसे ज्यादा आशीर्वाद था सबसे ज्यादा अरे सबसे ज्यादा वो तो सबसे ज्यादा खुश खुश रहती रहती थी थी <laughs> हमेशा <laughs> जब मेरे बॉम्बे आई तो सबसे पहले मुझे, मुझे वो तो कभी आती नहीं थी बॉम्बे में अच्छा, नहीं। नहीं आती थी वो तो अपना घर छोड़ने को तैयारी नहीं थी अच्छा। सबसे पहले जब आई तो उन्होंने आते ही मेरे पे पहली फरमाइश कर दी जी। बेटा धर्मेंद्र से मिलना अब मैं धर्मेंद्र जी को जानता नहीं था बिल्कुल भी पहचानता नहीं ले गया और टैक्सी में बैठा के रखा स्टूडियो के अंदर और फिर मैं ऊपर गया किसी से मैंने पूछा धर्म जी कहा हैं। तो वहीं बैठे हुए थे अपने प्रोड्यूसरों के साथ बैठे बात कर रहे थे तो मैंने दरवाजा खटखटाया बोले हाँ जी बोलिए मैंने छूटते ही अपनी फरमाइश रख दी धर्म जी के सामने मैंने कहा सर हमारी माँ आपसे मिलना चाहती है कहा है लाओ ये आंसर सुनने के बाद तो हमें यकीन ही नहीं हुआ इतना बड़ा स्टार कह रहा है लाओ मैं फर्स्ट फ्लोर पे थे वो वहां से दौड़ा मैं भागा वहां से जोर से भाग के मैं फटाफट फड़ सीढ़ियां उतरा उतर के मैं भागा टैक्सी की तरफ दरवाजा खोला मां को निकाला मां जल्दी चल धर्म जी इससे पहले कहीं चले मां ओल्ड मदर धीरे धीरे चलती 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 मैं जल्दी जल्दी इसे पहले मारे पे चढ़ा के ले गया मेरी माँ थक गई दरवाजा खोला सर मेरी माँ आ गई धर्म जी उठे और उन प्रोड्यूसर से कहा कि थोड़ी देर तरह मैं बात कर लू इनसे और आए और मेरी माँ को झप्पी मार के उन्होंने गले लगाया जी। ओ रे बाप वो पल जो था मेरे जीवन का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पल ऑफ माय लाइफ कि मेरी माँ को मैंने उनका सप्या। आ, सप्या। जो उनका फेवरेट बेटा था, फेवरेट बेट बेटा बेटा था उससे अच्छा। मिला रहा था एंड <laughs> उसके बाद फिर मेरी माँ ने कहा बेटा मुझे राम से मिलना है फिर मैंने अरुण गोविल जी से कहा कि आप मेरे घर आ जाइए तो वो आए मेरी माँ को मिलकर गए मेरी माँ ने बोला हाँ बेटा मेरा बेटा तो बाहर गया हुआ है बोले माँ हम आपसे मिलने आए हैं बोले अच्छा आओ 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 तो सोफे पे बैठा दिया उन्होंने उनको बगल में माँ बैठ गई बोले माँ आपने मुझे पहचाना नहीं बोले नहीं बेटा नहीं पहचाना बोले माँ मैं मैंने राम का रोल किया था अरुण गोविल नाम है मेरा <laughs> मेरी माँ तो देखती रह गई अरुण भगवान साक्षात हमारे घर पधार गए मेरी माँ सोफे से उतर के जमीन में बैठ गई यो करके हाथ जोड़ के उनके सामने बोले अरे धन्य हमारे अरे बेटा बोले नहीं अम्मा आप नीचे मत बैठो ऊपर आओ ऊपर नहीं, नहीं 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 बेटा राम के सामने हम नहीं बैठ सकते ऊपर

ये बात तो है हाँ। सुरेंद्र पाल सर को हमें उसमें देखने का मौका मिलेगा नहीं बिल्कुल हमने जो क्रिएट किया है जो हमने जो जो क्रिएटिव है वो क्रिएटिव ही रहेंगे और जो जीरो कॉपी है वो जीरो कॉपी ही रहेंगे अगर आपको अप्रोच किया जाएगा तो आप करेंगे सर हंड्रेड परसेंट क्यों नहीं करूंगा मेरा फेवरेट रोल है मैं डेफिनेटली करूंगा और शायद हो सकता है मैं ही करूं किलविश मैं ही करूं हाँ

बहुत 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 शुक्रिया आपने अपना टाइम दिया हमें बहुत बहुत धन्यवाद द्रोणाचार्य को द्रोणाचार्य को नाम स्वीकार करें अरे ते। और महाभारत की भाषा में मैं भी कह दू आयुष्मान बाबा अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आए तो आप इस इसको लाइक करें शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी करें